हेलो दोस्तों, मैं भानु प्रकाश एक बार फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एसएससी एमटीएस का, जो कि आंसर की कल इवनिंग में आ चुका है। अब उसमें क्या देखा जा रहा है दोस्त, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों के कॉल हैं, मैसेजेज हैं इस बात को लेके कि आखिर मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया जाए एसएससी एमटीएस का, क्योंकि कुछ लोगों के एडमिट कार्ड पे मार्क्स कुछ और थे और कुछ लोगों के एडमिट कार्ड पे मार्क्स कुछ और थे। तो आइए, मार्क्स कैसे कैलकुलेट करिए ये जानने के लिए हमें ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्त, यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है वो सब्सक्राइब क्लिक करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो वो मेरे वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो आइए दोस्त, हम लोग आज बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस री एग्जामिनेशन 2016 की। एसएससी एमटीएस ने 2016 में पेपर जो लिया था वो किसी कारण से कैंसिल हो गया था। इसके बाद हमने देखा कि वो एग्जाम हमारा 2017 में हुआ था और एग्जाम 16 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर 2017 तक चला था। और ये एग्जाम आपका टोटल 8300 पोस्ट के लिए लिया गया था, यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो मिला था वो 8300 मिला था, जिसके लिए माना जा रहा है कि लगभग 80 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और उन 80 लाख लोगों में से 30 लाख लोग एग्जाम में अपीयर हुए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि आंसर्स की, तो आंसर्स की के साथ साथ एसएससी ने एक नई फैसिलिटी अवेलेबल कराई है स्टूडेंट्स के लिए कि आपको अगर लगता है कि आपका आंसर डाउटफुल है, यानी आपकी तरफ से आंसर करेक्ट है और आंसर की में आंसर को गलत दिखाया गया है, तो आप उसको 26 नवंबर तक पर क्वेश्चन 100 रुपीज पे करके आप अपना क्वेश्चन करेक्शन करा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें। अभी मेरे पास दो एडमिट कार्ड है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये दो एडमिट कार्ड पे कैसे कैसे यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को दिखाया गया है और कैसे नंबर ऑफ मार्क्स को कैलकुलेट किया गया है। तो अभी अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मेरे पास दो अलग अलग एडमिट कार्ड है, दो अलग अलग कैंडिडेट्स के, ठीक है, और इनके एग्जाम्स के जो डेट है वो भी अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि आखिर इनका मार्क्स कैसे यहाँ पे शो किया गया है। आइए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर मार्क्स कैसे शो किया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है ओनली नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि 25 मार्क्स रीजनिंग, 25 मार्क्स न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, 25 मार्क्स इंग्लिश और 25 मार्क्स जनरल अवेयरनेस। जबकि नीचे वाले एडमिट कार्ड, जो दूसरा एडमिट कार्ड है, इसमें अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि रीजनिंग 25 मार्क्स 25 क्वेश्चंस, इसके बाद मैथमेटिक्स 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 50 मार्क्स 25 क्वेश्चन। यानी यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट है लोगों का कि रीजनिंग और मैथ जो है वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश और जीके को देखा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के दिखाए गए हैं और जीके का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का दिखाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये है, देखिए जो पहले एग्जाम होता था, यानी कि जब हमारा एग्जाम पेपर बेस्ड होता था, तो वहां पे हमारा पैटर्न यही था कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ्स के 25 मार्क्स के लिए, इंग्लिश और जीके 25 क्वेश्चन बनते थे 50-50 मार्क्स के लिए। यानी कि मैथ और रीजनिंग देखा जाए तो एक क्वेश्चन एक नंबर का बनता था, इंग्लिश और जीके एक क्वेश्चन दो नंबर का बनता था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब मोस्टली स्टूडेंट जब एग्जाम में अपीयर हुए, तो एग्जाम में अपीयर हुए तो उनके एडमिट कार्ड पे, किसी के एडमिट कार्ड पे वही पुराना डेटा लिखा हुआ था और किसी किसी के एडमिट कार्ड पे हमारे पास पुराना डेटा नहीं था। किसी के एडमिट कार्ड पे सिर्फ इतना लिखा हुआ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं और आर्स कितने मिलेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ये चीज निकल के आया जब लोगों ने, जब स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए, तो दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल में जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस शो किए जाते हैं स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में, कि एग्जाम से पहले आप 15 मिनट आप अपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए और समझिए कि हमें क्या करना होता है। दोस्तों, वहां पे देखा गया कि ईच क्वेश्चंस हैव 1.5 मार्क्स, सारे क्वेश्चंस को डेढ़ नंबर से मेजर किया गया है, 1.5 मार्क्स के मेजर किया गया है। यानी कि हमारे टोटल 25 मार्क्स रीजनिंग के, सॉरी 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 25 क्वेश्चंस मैथ्स, 25 क्वेश्चन इंग्लिश और 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो 100 थे। ईच सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 थे और मार्किंग किया गया है 1.5 के अकॉर्डिंग, जो नेगेटिव मार्किंग देखा जा रहा है कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको मिलेंगे 1.5 मार्क्स, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, जिसका मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज था, बहुत सारे लोगों का डाउट था कि
कि सर आखिर मार्क कैसे कैलकुलेट किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन एक नंबर का नहीं, ये क्वेश्चन डेढ़ नंबर का कैलकुलेट किया गया, इट्स 1.5। मैं बताना चाहूंगा कि बहुत खुशी हुई ये बात जान के कि आप लोगों के कॉल्स है, मेरे पास मैसेजेज आए कि सर रीजनिंग में तो टोटल क्वेश्चन सही है, हमारे आंसर की साइट पे अवेलेबल है और आप अपने आंसर्स की को रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके आप अपने आंसर की देख सकते हैं। तो दोस्तों आंसर की देखने के बाद आपके जो भी मार्क्स कैलकुलेट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ये जरूर कीजिए कि आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं और कितने आपने क्वेश्चंस किए थे, ताकि इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ जितने भी न्यू एस्पायरेंट्स हैं एसएससी के, उनको ये चीज़ क्लियर होगा कि एक्यूरेसी लेवल, जो लोग प्रिपरेशन में हैं उनका एक्यूरेसी लेवल क्या है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि आखिर एसएससी एमटीएस में एडमिट कार्ड पे कुछ ऐसा था, हो सकता है कि इनकी कोई मिसप्रिंटिंग होगी या कुछ जो भी होगा, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। अब सेम चीज़ हम लोग अब अगले वीडियोस में जब देखेंगे, अभी कुछ दिनों के बाद आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो दोस्तों अगले वीडियोस को जरूर देखिएगा क्योंकि अगले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईबीपीएस क्लर्क में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और वो चीज़ आप जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग, आप वेट करते रहिए, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और इंतजार करते रहिए मेरे न्यू अपडेट्स का। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।